गोल्ड प्राइस पाउंड डॉलर्स खरीदने वाले सरमायाकार एफबीआर के रिटार पर आ चुके हैं। 2017 से 2020 तक के टैक्स मामलात की छानबीन भी शुरू कर दी गई है। टीमें सरमायाकारों के थर्ड पार्टी मामलात इकट्ठी करेंगी। सोना खरीदने वालों के पास सरमाया कहां से आया, जराए एफबीआर की जानिब से पूछताछ की जाएगी। तफसीलात जानते हैं रिजवान नकवी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एफबीआर ने साल 2017 से साल 2020 तक 4 सालों के दौरान करोड़ों रुपए मालियत का गोल्ड प्राइस बॉन्ड और डॉलर खरीदने वालों के टैक्स मामलों की छानबीन का अमल शुरू किया है। इस हवाले से एफबीआर जराए का कहना है कि एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से बड़े पैमाने पे डॉलर खरीदने वाले सरमायाकारों की तफसीलात रीजनल टैक्स ऑफिस को भिजवाई गई है ताकि ये चेक किया जा सके कि ये बड़े पैमाने पर खरीदारियां करने वाले अफराद का सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और इनके पास पैसा कहाँ से आया और इन्होंने ये पैसा जो है वो एफबीआर में अपने, अगर ये फाइलर हैं तो अपने टैक्स रिटर्न्स में ये सरमायाकारी जाहिर कर रखी है या नहीं। इन तमाम मामलों की छानबीन की जाएगी। एफबीआर की टीमें प्राइस बॉन्ड्स डॉलर्स और सोने में सरमायाकारी करने वालों की थर्ड पार्टी मालूमात भी इकट्ठी करेंगी। एफबीआर राय का कहना है कि डॉलर्स प्राइस बॉन्ड्स और सोना खरीदने वालों के पास सरमाया कहाँ से आया, इसकी भी छान पटक होगी और ये मामला भी चेक किया जाएगा कि आया के इन्होंने अपने इनकम टैक्स गोशवारे भी एफबीआर में जमा करा रखे हैं या नहीं, और अगर ये फाइलर हैं तो ये सरमायाकारी इन्होंने अपने इनकम टैक्स गोशवारों में जाहिर भी की है या नहीं। एफबीआर राय का कहना है कि फाइलर होने की सूरत में अगर ये सरमायाकारी जाहिर नहीं की गई तो ऐसे अफराद को जुर्माने आयद किए जाएंगे, और अगर ये नॉन फाइलर्स हैं, इन्होंने अपने इनकम टैक्स गोशवारे कभी जमा नहीं करवाए, तो इनको नोटिस जारी करके इनका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा जाएगा कि ये करोड़ों रुपए की सरमायाकारी के लिए इनके पास पैसे कहाँ से आए हैं, और इन्हें टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी आपका।